अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं हूँ सहन साहे सैडुल हजरत सैयद मकबूल शाहदाता रहमतुल्लाह अलैह के आस्थाने पे, जहाँ गुम्बद का तामीरी काम जारी है और गुम्बद का लगभग मतलब आधा काम मुकम्मल हो गया है और अभी भी तामीरी काम जारी है। तो आज जुमा का मुबारक दिन है, सबसे पहले आप सभी को जुमा की दिल से मुबारकबाद। तो अगर आप मेरे YouTube चैनल पे नए हैं, सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, जिससे जब भी कोई नई वीडियो है आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइज, अगर आपको औलिया अल्लाह से मोहब्बत है, हुजूर सैयद मकबूल शाहदाता रहमतुल्लाह अलैह से मोहब्बत है और उनके गुम्बद के तामीरी काम में हिस्सा लेना चाहते हैं, तो वीडियो को अगर हिस्सा नहीं ले सकते तो कम से कम 5 से 10 लोगों को वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे वीडियो जो है रन करेगी, रैंक करेगी और अर्निंग अच्छी खासी होगी और ये दरगाह की तामीरी काम में जाएगा। गाइज, आज का जो मेरा ब्लॉग वीडियो है, मैं आपको बता दूं इस पर्पज से बना रहा हूँ, तामीरी काम जारी है तो आप सभी लोग जहाँ से भी वीडियो देख रहे हैं तो जो सदर साहब है उनका मैं नंबर दे दूंगा, तो आप उनके फोन पे गूगल पे में या फिर ट्रांसफर कर सकते हैं और इस तरह से आप अपने मरहूम मरहूमिन के इसाले सवाब कर सकते हैं और तामीरी काम में हिस्सा ले सकते हैं। और अगर आप इतना नहीं कर सकते तो आप लोग जो है वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, जहाँ तो इससे जो अर्निंग होगी तो वो मैं सारी अर्निंग जो है दरगाह शरीफ जो कमेटी है उनको दे दूंगा। तो YouTube का जो क्राइटेरिया है वो लगभग ये है कि अगर मान लीजिए 50,000 या 1,00,000 व्यूज आता है तो लगभग 10,000 से 20,000 रुपए की अर्निंग होगी, वो मैं सारे दरगाह शरीफ के निजाम में लगा दूंगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आप ये रिक्वेस्ट जो है एक्सेप्ट करेंगे और इस तरह से आप अपने मरहूम मरहूमीन के लिए निजात का जरिया बनेंगे। तो चलिए अभी मैं आप जाता हूँ दरगाह शरीफ में, सबसे पहले तो आपको गुम्बद दिखा देता हूँ जो अभी तामीरी काम चल रहा है और यहाँ जुमा का दिन है तो सिन तबरकात भी बट रहे हैं, तो सारे लोग जो है गाँव के लोग आते हैं और यहाँ छोटे छोटे बच्चे जो है सिन्नी लेके आ रहे हैं। सिन्नी मिला है आप सभी को, ये देख रहे हैं दुआ करने के लिए, और उधर सकलैन भाई, जीसू भाई सब लोग हैं अंदर जो है, ऊपर जो है तामीरी काम चल रहा है। चलिए ऊपर जाता हूँ आपको दिखाता हूँ मैं। अफसर फातिया पढ़ के आ गया, इधर सकलैन उमैद सब लोग हैं और इस्लाम चचा जो है ट्रैक्टर लेके आए हैं वो भी आ गए। तो ऊपर जाता हूँ अभी, सबसे पहले आपको दरगाह शरीफ का गुम्बद दिखाता हूँ। तो दोस्तों मैं आ गया हूँ दरगाह हजरत मकबूल शाहदाता रहमतुल्लाह अलैह के आस्थाने पे और जहाँ गुम्बद का काम चल रहा है तो हमारे मामू जो है वो पानी सींच रहे हैं और देखिए आधा काम जो है मुकम्मल हो गया है और आधा भी अभी भी काम चल रहा है, तो आज शायद मतलब बंद है। तो इस तरह से आज जुमा का दिन है, मामू जो है काम में लगे हुए हैं। तो आप जहाँ से भी वीडियो देख रहे हैं तो आप ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा, जिससे जो तामीरी काम है वो जल्दी से मुकम्मल हो जाए। और उसमें जो मैं आपको फोन नंबर दूंगा उसमें आप गूगल पे फोन पे जो भी आपको देना है, जैसे कि अभी तामीरी काम में बहुत सारे चीजों की जरूरत है, गिट्टी रेत मुरुम और सारी चीजें, तो वो तमाम ही लोग आप दे सकते हैं। तो इस तरह से देख रहे हैं कि अभी आधा काम मुकम्मल हुआ है, कुछ दिनों के बाद पूरा हो जाएगा। तो चलिए अब आपको दरगाह शरीफ की ज्यारत करा देता हूँ नीचे जाके। हम जो हमारे खैरहा के नौजवान हजरात हसनैन बाबू, सकलैन बाबू और अफसर भाई, उमैद भाई सब लोग जो है फातिहा पढ़ने के लिए आए हैं, तो हुजूर बाब मकबूल शाहदाता रहमतुल्लाह अलैह से दुआ है इन तमाम ही लोगों की जायज दिली मुरादों को पूरा फरमाए। तो चलिए अभी हम अंदर जाते हैं और आपको दरगाह शरीफ की जियारत करवाते हैं। बताता हूँ दरगाह शरीफ किसमें, तो अभी दरगाह शरीफ का जो गुम्बद बन रहा है उसमें 3 लाख का खर्चा है और इस तरह से पूरा इसमें जो अखराजात है तो उसमें तमाम ही लोग शामिल हैं। तो आप लोग भी शामिल हो सकते हैं, जहाँ से भी हैं तो आप गूगल पे फोन पे कर सकते हैं, इतना नहीं कर सकते तो आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे इसकी जो अर्निंग आएगी वो सारे में दरगाह शरीफ में देंगे। तो चलिए अभी दरगाह शरीफ के अंदर जा रहा हूँ और ये देखिए आस्थाने आलिया तो इस तरह से तैयार हो चुका है और गुम्बद का जो तामीरी काम है वो अभी भी चल रहा है, तो बल्ली बल्ली पूरा लग गई है। तौसीफ भाई फातिहा पढ़ रहे हैं, मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा तौसीफ भाई। और देखिए पूरा पन्नी लगा दिया गया है क्योंकि ऊपर से जो है पानी आ रहा है, और ये मुजाहिद भी फातिहा पढ़ रहा है, हमेशा बहुत सारी सिन्नी लेके आता है पूरे गाँव के लोग। मैं फातिहा पढ़ लेता हूँ फिर उसके बाद आपको आगे की ब्लॉग की जर्नी दिखाता हूँ। गाइस, मुबीन मामू जो है दरगाह शरीफ के सामने है, मैं उनसे
से आपको जो है जानकारी थोड़ी सी दरगाह शरीफ की। बामू, जो गुम्बद में खर्चा है वो लगभग कितने के आसपास आएगा? 2.5 से 3 लाख। 2.5 से 3 लाख रुपए का। और इसमें जो है पूरा गांव के लोग जो है शामिल, गांव का आप लोग से इल्तिजा है कि आप जहां से भी वीडियो देख रहे हैं और इसमें जो है आप शामिल हो सकते हैं, फोन पे गूगल पे सारी मतलब पूरे गांव के हिंदू मुस्लिम सब मतलब। हाँ, क्योंकि आपने उर्स का माहौल देखा होगा, मेरी ब्लॉग वीडियो बहुत ही जबरदस्त रहता है, तो अगर इतना नहीं कर सकते मामू, मैं ये भी बोल दिया हूँ, इस वीडियो से जो भी अर्निंग होगी वो सारे दरगाह शरीफ के अखराजात में जो भी काम रहेंगे वो होगा, तो आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि मेरा चैनल भी मोनेटाइज हो गया है तो अच्छी खासी अर्निंग भी हो जाएगी, तो वो दरगाह शरीफ में जाएगा, तो और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। तो इस तरह से था आज का मेरा ब्लॉग वीडियो, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मैं आपसे मिलता हूँ नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।